नमस्ते कर्नाटक वीडियो नोड़ा मुंचे सब्सक्राइब आगे दयवु नम चल सब्सक्राइब आगे पाकली बेल आइकन क्लिक माड़ी। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग थियरी। फर्स्ट वन डिफाइंड थियरी आंसर इट मीन्स इट इज एन आइडिया और सेट ऑफ आइडिया नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन रीजनिंग इंटेंडेड टू एक्सप्लेन समथिंग। सेकेंड वन डिफाइन अकाउंटिंग थियरी आंसर अकॉर्डिंग टू केनेट एस मोस्ट अकाउंटिंग थियरी इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथडोलॉजी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रैक्टिस। थर्ड वन व्हाट इज अकाउंटिंग एनवायरमेंट। अकाउंटिंग एनवायरमेंट सिस्टम इज डिपेंडिंग ऑन एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट। फोर्थ वन व्हाट इज सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट आंसर इट मीन्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस अल्टीमेटली लीड्स टू चेंजेस इन द सोसाइटी एज अ होल एंड इन द लाइफ ऑफ इट इज हैबिटेंट्स। फिफ्थ वन व्हाट इज लीगल एनवायरमेंट आंसर इट मीन्स अकाउंटिंग थियरी मेथड्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। सिक्स वन नेम द डिफरेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग आंसर ब्रांच अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक्सेट्रा। सेवन मेंशन एनी फोर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग थियरी आंसर फर्स्ट वन लॉजिकल रीजनिंग सेकंड वन डायनामिक थर्ड वन गिव जस्टिफिकेशन फोर्थ वन टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन एक्सेट्रा। यूनिट 2 क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग थियरी। फर्स्ट वन व्हाट इज स्ट्रक्चरल थियरी आंसर स्ट्रक्चरल थियरी एक्सप्लेन द करेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस हाउ दे रिपोर्ट स्पेसिफिक इवेंट एंड प्रिडिक्ट हाउ अकाउंटेंट्स वुड रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशन। सेकेंड वन व्हाट इज पॉजिटिव थियरी आंसर अ थियरी विच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एनालाइज्ड एंड कम्युनिकेटेड इज कॉल्ड एज पॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव थियरी। थर्ड वन व्हाट इज नॉर्मेटिव थियरी आंसर अ थियरी विच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वाट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड एनालाइज्ड एंड कम्युनिकेटेड इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव थियरी। फोर्थ वन व्हाट इज डिसीजन थियरी आंसर डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबल रिलेवेंट एंड रिक्वायर्ड डाटा स्पेसिफाइड इन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड टू द यूजर्स। फिफ्थ वन व्हाट इज मेजरमेंट थियरी आंसर इट मीन्स ऑफ मेजरमेंट इट इज द ड्यूटी ऑफ अकाउंटेंट्स टू प्रेजेंट अकाउंटिंग डाटा इन कॉम्पैक्ट मैनर बिकॉज डिसीजन मेकर्स एक्सेप्ट द रिलेवेंट एंड यूजफुल अकाउंटिंग। सिक्स वन व्हाट इज इंफॉर्मेशन थियरी आंसर इंफॉर्मेशन इज अ फैक्ट डाटा ऑब्जर्वेशन परसेप्शन और एनी अदर थिंग दैट एड्स टू नॉलेज इट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। सेवन व्हाट इज इंडक्टिव अप्रोच आंसर इंडक्टिव अप्रोच मीन्स फर्स्ट स्टडी द ऑब्जर्वेशन और एग्जाम्पल्स एंड देन ड्रॉ द प्रिंसिपल्स कंसेप्ट एंड कंक्लूजन ऑफ अकाउंटिंग। एट वन व्हाट इज डिडक्टिव अप्रोच आंसर इन अ डिडक्टिव अप्रोच फर्स्ट द ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टैब्लिश्ड सेकेंड द सिलेक्शन ऑफ बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड then it derives principles and practice particular conclusion or draw from general observation. 9 what is ethical approach answer ethical means rules of moral conduct. 10 what is economic approach answer it is based on macroeconomic conditions prevailing on the country is adopting the accounting practice policy principle systems method etc. 11 what is behavioral approach answer on the basis of the behavior of the users the financial statement and reports are modified or changed. Unit 3 structure of accounting theory. First one what is accounting postulate answer postulate are the basic assumption made by the accountant while preparing accounts and presenting it to the users. Second one, what is accounting concept? Answer,
The accounting concepts are linked with the types of business organization and the ownership of property. Third one, what is accounting principle? Answer, the accounting techniques and methods are developed on the basis of general rules and principles. Fourth one, what are accounting standards? Answer, therefore, to regulate and control the financial accounting practice. Practiced by accountants, the accounting standards are imposed by law or by professional body. Fifth one, what is going concern postulate? Answer, according to this postulate, it is assumed that the business will continue for a long time to come. Sixth one, what is proprietary theory? Answer, in sole trading concern and partnership firm, it is the proprietorship theory and the beneficiaries of net income are only the proprietor. 7. What is residual equity theory? Answer, it is an extension of proprietary theory, but this theory divides the proprietor shareholders into equity shareholders and preference shareholders. Unit 4, accounting principles. First one, what is accounting principles? Answer, the accounting principles means the rules of action used in recording accounting transaction in the books of accountants, and it is a presentation in the form of financial statements to users. Second one, state two needs of accounting principles. Answer, first one, accountability. Second one, to maintain uniformity, etc. Third one, what is cost principles? Answer, it means cost is the amount of measurement in money or cash expended or other property transferred, etc. Fourth one, what is objectives principles? Answer, objectivity refers to reliability, trustworthiness and verifiability, correctness of records and statements, reports. Fifth one, what is conservatism principles? Answer, it means to safeguard against possible future losses and to show better financial position of the concern. Sixth one, what is cost benefit principle? Answer, if benefit to users to cost enterprise, then accept it. But if cost of to enterprise benefit to users, then reject it. 7. What is accounting policies? Answer, accounting policies means specific accounting procedure, convention, etc., followed by an individual enterprise in preparing and presenting it is a financial statements. Unit 5, accounting standards. First one, what is depreciation? Answer, depreciation is the reducing in the value of an asset. Second one, what is provisions? Answer, a liability which can be measured only by using a substitutional degree of estimation. Third one, what is PPO? Answer, PPO, first in, first out. Fourth one, what is LIFO? Answer, LIFO, last in, first out. Fifth one, what is the reducing balance method? Answer, this is a very popular method of providing depreciation. The depreciation is charged at a fixed percentage, not on the original cost every year as in the first method. Sixth one, what is straight line method? Answer, the amount of depreciation to be written off every year under this method is equal. Expand. First one, GAAP, generally accepted accounting practice. Second one, IFRS, International Financial Reporting Standards. Third one, EPS, earning per share. Fourth one, DPS, dividend per share. Fifth one, AASB, Accounting Standard Boards. Sixth one, IASC, International Accounting Standard Committee. Seven, IFRS, International Financial Reporting Standards. Thank you.